हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन सुधा मौर्य फ्रॉम सुधा डाइटिंग। सो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपके वेट लॉस में तो हेल्प करने ही वाली, साथ ही में प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो वो जो रेसिपी है मैं जो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, उसको आप लोग न्यूट्री बार भी कह सकते हैं, ग्रेन्युलर बार भी कह सकते हैं, आपको जो मानो आप उसे वो कह सकते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस है, वेट लॉस में इस तरह से हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें मैंने जिन भी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया, मीन इसमें जो भी मैंने नट्स और सीड्स का यूज किया है, साथ ही मैंने इसमें सीसम सीड्स का भी यूज किया है, जिसका कि प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है, जो कि हमारे वेट लॉस में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। और साथ ही में प्रेगनेंसी में भी ये सारे ही ड्राई फ्रूट सीड्स, चाहे वो सनफ्लावर सीड हो, पंपकिन सीड हो, या आपका वो सीसम सीड्स हो, ये सारी ही चीजें प्रेगनेंसी में भी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होती है। और प्रेगनेंसी टाइम पीरियड एक ऐसा होता है जिसमें कि प्रेग्नेंट वुमेन्स एक बार में काफी ज्यादा चीजों को इनटेक नहीं कर पाती, तो उनके लिए जो बार है, जो ग्रेन्युलर बार, न्यूट्री बार, जिसे भी आप जो भी कहना चाहें, ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है एक बार में सारे ड्राई फ्रूट्स को इंटेक करने का। और ये जो मैंने न्यूट्री बार बनाया है, ये मैंने जैगरी से बनाया है, आप चाहें तो विदाउट जैगरी भी बना सकते हैं साथ में उसको खजूर को ऐड करके, बट इसमें मैंने जितना भी जैगरी को यूज किया है उतना हमारी बॉडी के लिए उतनी शुगर की डेली रिक्वायरमेंट होती ही है, इसलिए मैंने ये जैगरी से बनाया है। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी आप लोग के सामने न्यूट्री बार का वीडियो लेकर के आऊंगी, वो मैं खजूर से ही बनाने वाली हूँ। सो मेरे वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का जरूर से वेट कीजिएगा कि कैसे खजूर से मैं न्यूट्री बार को बनाती हूँ, जो कि विदाउट ऑयल, विदाउट शुगर, विदाउट जैगरी होगा। बट आज की जो वीडियो है उसे मैंने जैगरी से बनाया है, क्योंकि शुगर से जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो जैगरी, क्योंकि जो जैगरी होता है उसमें आयरन कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है, और जो जैगरी होती है हमारे डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करती है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है, इसलिए जैगरी को हमें अपनी डाइट में जरूर से इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो शुगर का एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। साथ ही मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स का यूज किया है, लाइक आलमंड यूज किया, कैशनट यूज किया है, साथ ही में मैंने उसमें सीसम सीड्स यूज किए हैं, साथ ही मैंने उसमें पंपकिन सीड्स यूज किया है, और साथ ही मैंने सनफ्लावर सीड्स भी उसमें यूज किए हैं, जिन सभी का प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा हाई होता है। काजू बादाम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, बट जो मैंने सीसम सीड्स यूज किया है वो हमारे डाइजेशन को तो स्ट्रांग करता ही है, साथ ही में हमारे मेटाबॉलिज्म को भी स्ट्रांग करता है, और साथ ही हमारे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, और साथ ही में हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का भी काफी ज्यादा काम करता है, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करता है, और हमारी एपेटाइट को काफी टाइम तक फुल रखता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसीलिए वेट लॉस करने वालों को हमेशा कहा जाता है कि प्रोटीन अच्छे अमाउंट में लीजिए, बट काफी लोग सप्लीमेंट्स की तरफ से भागते हैं, तो आप इसे एक सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, आप इसे होममेड सप्लीमेंट कह सकते हैं, जो कि एक बार में आपको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रोटीन आपको प्रोवाइड करने वाला है। और सबसे बड़ी अच्छी बात इसकी ये है, आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, अगर आप वर्किंग है, आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो आप इसको एक बॉक्स में करके अपने बैग में रख सकते हैं, और इस जब भी आप लोग को थकान महसूस हो तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जैगरी का यूज किया है। जैगरी हमेशा आपके जो मूड होता है उसको बूस्ट करती है, एनर्जी जो होती है उसको बूस्ट करती है, क्योंकि इसमें काफी अच्छी मात्रा में शुगर कंटेंट होता है, जो कि हमारी बॉडी को काफी अच्छे से रेगुलेट करती है। बट जो शुगर होती है इसमें मिठास होती है जो इसमें, वो काफी अच्छी होती है, जो कि आपकी हेल्थ को काफी ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। सो मेरी इस रेसिपी को अपने घर में बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो टाइम ना वेस्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग अपनी रेसिपी देखते हैं। सो न्यूट्री बार को बनाने के लिए मैंने जिन भी इंग्रेडिएंट्स का यूज किया, उसमें सबसे पहले मैंने आलमंड्स को यूज किया है, जो कि मैंने छोटा वन बाउल लिया है, और साथ ही में मैंने इसमें पंपकिन सीड्स को यूज किया है, जो कि 4 स्पून पंपकिन सीड है और 1 स्पून सनफ्लावर सीड है, और मैंने इसमें सीसम सीड्स का यूज किया, मीन्स व्हाइट तिल का यूज किया है, जो कि मैंने 2 स्पून लिया है, और साथ ही में मैंने इसमें काजू का यूज किया है, काजू मैंने 1 फुल बाउल लिया, क्योंकि काजू काफ़ी क्रीमी टेक्सचर होता है, काफ़ी खाने में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें काजू का यूज़ ज़्यादा किया। साथ ही मैंने इसमें 1 बाउल जैगरी लिया है, जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनफ है, इसलिए आप इस बार को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, इससे आपका वेट गेन नहीं होगा, इवन आपका वेट लॉस होगा। सो मैंने अपनी कढ़ाई गर्म कर ली है, कढ़ाई गर्म करने के साथ ही मैंने इसमें जैगरी जो है उसको इंक्लूड करूंगी, ताकि जो जैगरी है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, ताकि इसमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें अच्छे से मेल्ट होकर इसमें मिल सकें, और अपना सारा जो टेस्ट है जैगरी वो उसमें अपना दे सके, क्योंकि जब तक जैगरी अच्छे से लिक्विड फॉर्म में नहीं आएगी तब तक वो सारे ड्राई फ्रूट्स को आपस में मर्ज नहीं कर पाएगी। सो इस जैगरी जो होगी उसको घोलने में काफ़ी थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि काफ़ी हार्ड रहता है, इसलिए आपको धीमी आँच पर जैगरी को चलाते रहना है, ताकि जो जैगरी है अच्छे से बिना जले लिक्विड फॉर्म में आ जाए, और जब ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तभी हमें इसमें कोई भी अपने ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना है, नहीं तो इसमें जो जैगरी है उसका काफ़ी जो लम्स होते हैं वो बने रहते हैं, इसलिए आपको जैगरी को अच्छे से लिक्विड फॉर्म में ले आना है, ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहे और जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से मिक्स हो सके, और जो अपना टेस्ट है जैगरी वो अपने सारे ड्राई फ्रूट्स में दे सके। सो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो मेरी जैगरी है वो ऑलमोस्ट लिक्विड फॉर्म
में आ चुकी है, इसलिए मैंने इसे पहले ही थाली तैयार कर ली जिसमें मैंने घी को ग्रीस किया है ताकि जो कि चिपके ना उसमें, क्योंकि जो गुड़ है थाली में जाकर के किसी भी बर्तन में जाकर चिपक जाता है, इसलिए मैंने उसको ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें सबसे पहले सीसम सीड्स को ऐड करूँगी। सीसम सीड के बाद में मैंने इसमें पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड को ऐड किया है, उसके बाद में मैंने इसमें आलमंड्स को ऐड किया है, और लास्ट जो है वो है बादाम कैश्यू नट, वो मैंने इसको यूज़ किया है। और साथ ही में ऐड करने के बाद में अब हम लोग इसको अच्छे से मिक्सअप करेंगे ताकि जितनी भी जैगरी है उसमें ये ड्राई फ्रूट सारे अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि ड्राई फ्रूट्स और जैगरी आपस में अच्छे से मिल चुके हैं। अब हम लोग इसको अपनी जो थाली है जिसमें मैंने ग्रीस ही किया था ऑयल को, घी को, उसमें हम लोग इसको अच्छे से चिपका चिपका कर रखेंगे, दबा कर रखेंगे ताकि जो टेक्सचर एकदम इवन रहे। और साथ ही में मैंने इसके ऊपर से और भी सीसम सीड्स को ऐड किया ताकि टेस्ट में तो आए ही, हेल्दी रहे और साथ ही में प्रोटीन कंटेंट भी हाई, और साथ में हमारे लुक्स को भी काफ़ी अच्छा कर दी, क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा घर में लोग नक्शे करते हैं कि मतलब न्यूट्री बार है, ग्रैनुलर बार है, हम इसको नहीं खाएंगे। सो जब दिखने में अच्छा होगा तो लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इसको खाने के लिए। सो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने इसको अच्छे से सीसम सीड से कवर कर दिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पहले से इसके टेक्सचर में काफ़ी ज़्यादा चेंज है। सो हम लोग इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम लोग इसको नाइफ से कट कर लेंगे। नाइफ से कट करने के बाद में हम लोग इसको अलग करेंगे। जैसा कि अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये ग्रेनुला बार हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल बन करके, और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एकदम स्टिक की तरह आया है, और इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इवन है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें काजू बादाम भी काफ़ी कट करके, आप लोग चाहें तो खड़ा काजू बादाम भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने हल्का सा चॉप करके यूज़ किया है ताकि खाने में भी अच्छा लगे, लुक्स वाइज भी अच्छा लगे, और कट करने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है अगर खड़े काजू बादाम होते, इसलिए मैंने उसको हल्का सा चॉप करके किया है, फाइन चॉप नहीं किया है, नॉर्मल चॉप किया है, इसलिए आप लोग भी इसको हल्का सा चॉप कर सकते हैं चॉपर में अपने। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ है, और सारे ही ड्राई फ्रूट्स में अलग से दिख रहे हैं, देखने में काफ़ी ज़्यादा टेम्पटिंग सा है, डिलीशियस सा है, और जितना ये टेम्पटिंग डिलीशियस दिख रहा है उतना ही ज़्यादा टेस्टी है, हेल्दी है, और हमारे हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाला है। सो आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। उसमें सीसम सीड्स जो मैंने वाइट वाले यूज़ किए इसके साथ में आप लोग ब्लैक सीसम सीड्स को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के ही हेल्थ बेनिफिट लगभग सेम होते हैं, दोनों ही हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, साथ ही में कोलेस्ट्रॉल को भी रेगुलेट करता है, इसलिए आप लोग सीसम सीड्स चाहे वो व्हाइट हो या ब्लैक आप दोनों ही इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही में इसमें आप वॉलनट्स को भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता को भी ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप इसमें क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। होप आप लोगों को मेरी रेसिपी काफ़ी पसंद आई होगी, और इसे बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप लोग चाहें तो इसके अलावा काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि ऐड कर सकते हैं, लाइक आप लोग इसमें वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं, और आप लोग पिस्ता भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आप लोग इसमें कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स को ऐड करना चाहते हैं। मैंने इनमें इन्हीं ड्राई फ्रूट्स को ऐड किया है जो कि आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा, आप लोग की चॉइस है, आप लोग कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको घर पर बनाने के बाद में प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये न्यूट्री बार ग्रैनुला बार कैसा लगा, और आप क्या सच में उसको लेने के बाद में आपकी जो एनर्जी है जो कि खो चुकी है काम करते करते खत्म हो चुकी है, क्या सच में आपने उसको रिस्टोर किया है, मेरे कमेंट सेक्शन में आके प्लीज कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, थैंक यू, बाय बाय।